आप बैठते हैं पढ़ाई करने और चलाते हैं फोन, सोचते हैं चलो कल से पढ़ाई कर लूंगा। यही करते करते सिर्फ आप अपने आप को ही नहीं अपने सपनों को भी बर्बाद करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है, ना आपका कल आता है और ना ही आपका वो पल जिस पल के लिए आपने अपने काम को कल पर डाला था। मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन हर स्टूडेंट की यही सच्चाई है कि पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें वो काम प्यारे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, और जैसा करता है उसका बिहेवियर, उसका फ्यूचर वैसा ही हो जाता है। मतलब आपसे जुड़ने वाली हर एक चीज़ और आपके द्वारा किया गया हर एक काम आपका फ्यूचर बना रही है। आप जो कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वही आपका कल बन रहा है। अगर आप आज दिन रात मेहनत करके अपने आप को बेहतर कामों में लगा रहे हैं, हर एक पल को जोड़ के अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो आपका कल जरूर अच्छा हो। लेकिन आप क्या करते हैं, आपके दिन भर का 90% समय फालतू के कामों में चला जाता है। जिंदगी के सफर को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि आज से ही कल है और कल से ही आपकी दुनिया है। आपने कभी एक बात सोची है कि आपने आज को बर्बाद कर दिया तो आपने अपना कल भी बर्बाद कर दिया। बेहतर यही है कि आप अपने सपने के बारे में सोचिए। कहते हैं हर एक सफलता की शुरुआत छोटे कामों से ही होती है, इसलिए आज से ही सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इन कामों का क्या मतलब है, और मैंने अपने समय को जो बर्बाद किया है उसका कोई फायदा भी होने वाला है या नहीं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।